किसी और की निकालते हैं, जैसे कॉस 120 डिग्री। अब आपको पता है 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में 180 और 120 के दरमियान रेफरेंस एंगल क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 के बराबर होती है, सही। तो कॉस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब आंसर क्या आएगा इसके साथ, नेगेटिव आ जाएगा। इतना सिंपल है आपके लिए। और अगर आपके पास साइन और कॉस आ गया तो बाकी निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। टेंजेंट बराबर है साइन ओवर कॉस के, कॉट आ जाएगा 1/टेंजेंट, आपको पता है इस तरह निकाल लोगे। कोई और एंगल पिक करते हैं, 225 पिक कर लेते हैं। लेट्स से अगर आपको साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे। अब आपको पता है 225 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना कौन से क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ये क्लियर कर लेना। 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस 180 डिग्री बनाता है, सही। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस होता है 360 डिग्री, इसको ध्यान में रखो। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, मैं भी आपको टेक्निकल टर्म में लेके नहीं जा रहा, रेफरेंस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है उसमें मैं पढ़ना नहीं जा रहा, आप लोगों को एक और फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा। वरना उसका होता है एब्सोल्यूट थीटा माइनस पाई के बराबर होता है, तो वो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखो 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का एंगल आपने याद क्या रखा है, 180 डिग्री। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, 180 और 225 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 45। तो इसका मतलब है ये रेफरेंस एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। अब आप साइन 225 के बजाय साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। साइन 45 बराबर है √2/2 के, सही। तो साइन 225 किसके बराबर हो जाएगा, √2/2 के। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन 225 की आप आसानी से वैल्यू निकाल लोगे। तो अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो रहा होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अगर ये 16 एंगल आए तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। और प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। लेट्स से अगर आपको निकालनी है कॉस 330 की वैल्यू, सही। अब 330 डिग्री आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 330 डिग्री है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होता है ना, मतलब रेफरेंस एंगल के लिए हम टर्मिनल और ये एक्स एक्सिस लेते हैं ना, तो टर्मिनल साइड तो 330 डिग्री बन रहा है पूरा एंगल। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने क्या बताई, 360 डिग्री, आप लेट कर लो। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 330 डिग्री और 360 डिग्री कितना फर्क है इसके दरमियान, 30 का फर्क है। तो इसमें रेफरेंस एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप कॉस 330 के बजाय वैल्यू निकालो कॉस 30 डिग्री की। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो उसका मतलब है कॉस 330 की वैल्यू भी क्या होगी, √3/2 होगी। बस आखिरी स्टेप यह है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसका मतलब है इसके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो कॉस 330 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई भी एंगल मौजूद हो इन 16 एंगल में से, और ये ऐसे 16 स्पेशल एंगल्स हैं कि आमतौर पर आपके पास इनकी वैल्यूज निकालना आता है आपको, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है। कोई भी इन 16 एंगल में से आए, शुरू के 3 आपने याद करने हैं, उसके बाद कोई भी आ जाए आपके पास, आपने क्या करना है, रेफरेंस एंगल निकालना है। अगर वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, लेट्स से अगर वो 150 होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल कैसे निकालोगे, सेकंड और थर्ड में कैसे निकालोगे, 150 और 180 इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का। तो जो आपके पास 30 डिग्री आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा। लेट्स से अगर 240 डिग्री है, 240 डिग्री है थर्ड क्वाड्रेंट में, मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से आपने डिफरेंस निकालना है, तो 240 और 180 के दरमियान डिफरेंस कितना होगा, 60 का, सही। और अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेट्स से 300 आ रहा है, अब आपको पता है 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने डिफरेंस निकालना है 360 से, सही। तो 300 और 360 इसके दरमियान डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का। तो रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये करके आपको जितने हैं आप आसानी से उनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो आपको याद रखना है ना, उसमें आपको रेफरेंस एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। बाय द वे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने एंगल निकलते हैं वो खुद ही रेफरेंस एंगल होते हैं, क्योंकि वो एंगल, लेट्स से अगर आप 60 निकालोगे तो 60 क्या होता है, ये पूरा एंगल ना, तो आपको पता ही रेफरेंस एंगल के बराबर ही है। रेफरेंस एंगल एक्यूट होता है, ये भी एक्यूट है, और टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान है, टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान है। तो उसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है वो रेफरेंस खुद ही होता है, मतलब अपने के रेफरेंस होता है वो। सेकंड और थर्ड में आए तो 180 से डिफरेंस निकालना है आपको उसका, और फोर्थ में आए तो आपने 360 से डिफरेंस निकालना है उसका, रेफरेंस एंगल आ जाएगा। रेफरेंस एंगल की वैल्यूज निकालो
और आखिरी स्टेप क्या होगा, आपने देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर लेट्स से वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अगर साइन की वैल्यू निकाल लो तो वो नेगेटिव कर दो आप उसके साथ। और बाकी जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, तीन स्टेप है बेसिकली। सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालो, रेफरेंस एंगल आ जाए उसके बाद वैल्यू निकालो, मतलब उस एंगल पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, मतलब रेफरेंस एंगल पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। और तीसरा स्टेप क्या है, साइन देखना है आपने। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप पॉजिटिव रखोगे, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल लो तो आप नेगेटिव रखोगे। तो ये आपने देखना है। तो तीन स्टेप अगर आप जहन में रख लोगे तो आप फौरन विद इन 5 to 10 सेकंड आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी एंगल की, अगर इन 16 में से आया है। और ज़्यादातर एप्टीट्यूड में जो भी MCQs आते हैं आपके पास, वो इन 16 एंगल में से ही आते हैं, सही है। तो आपने इनको याद करना है। बस आखिरी टॉपिक रह गया, वो क्या है, वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। मैंने पहले भी बताया हुआ है ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई कर रही होती है। और वो कौन कौन से, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री और फिर आप चलते जाओ कितना हो जाएगा 450 डिग्री 540 डिग्री फिर हो जाएगा 630 डिग्री फिर 720 डिग्री इस तरह चलते जाओ, मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। 90 × 1 90 डिग्री 90 × 2 180 डिग्री 90 × 3 270 डिग्री। तो ये सब क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। इनकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, देखो अब आपको पता है आखिरी कौन सा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको पता है जो पॉइंट P बनता है ना सर्किल पे, जो पॉइंट अगर मैं P बनाऊँ तो पहली चीज़ क्या होती है X, X किसके बराबर है cos थीटा के बराबर है। दूसरी चीज़ क्या होती है Y, Y किसके बराबर है sin थीटा के बराबर है, सही। एक कॉन्सेप्ट ये जहन में रख लो, अगर आप X एक्सिस पे होगे, यूनिट सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप X एक्सिस पे होगे तो यूनिट सर्किल में X की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर होगी और Y की वैल्यू 0 होगी। अगर आप Y एक्सिस पे होगे यूनिट सर्किल में तो Y की वैल्यू 1 होगी, X की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो अगर आप X एक्सिस पे हो तो X की वैल्यू 1, Y की 0। अगर आप Y एक्सिस पे हो तो Y की 1, X की 0। रीजन ये कि भाई ये रेडियस है ना, ये पूरा रेडियस है आपका, अगर इस लाइन को उठा के मैं यूं बना दूं तो रेडियस अब इधर बन गया ना, तो ये पूरी X की वैल्यू बन जाएगी ना, ये X की वैल्यू कितनी होगी यूनिट सर्कल में 1 के बराबर है। और Y क्या होता था, इस पॉइंट का डिस्टेंस X एक्सिस है, ये पूरा Y होता था। अगर इस पॉइंट को उठा के मैं इधर ला रहा हूँ तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये खत्म हो जाएगा Y का, 0 हो जाएगा, सही। तो X एक्सिस पे Y की वैल्यू 0, X की 1, Y एक्सिस पे Y की 1, X की 0, सही। इसी तरह अगर आप नेगेटिव X एक्सिस पे आ जाओगे तो अब X की वैल्यू -1 हो जाएगी और Y की वही 0 रहेगी। और अगर आप नेगेटिव Y एक्सिस पे आ जाओगे तो Y की वैल्यू -1, X की 0 ही रहेगी। बस इसको अगर आप याद कर लोगे ना तो आप बड़ी आसानी से 90, 180, 270, 360 और 0, 0 और 360 पे एक ही वैल्यूज आ रही होंगी तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो, सही। कैसे निकालोगे, लेट्स से अगर आपके पास आए, अगर आपने निकालना हो cos 180 डिग्री, अब आपको पता है cos क्या होता है, X होता है, ठीक है। 180 डिग्री नेगेटिव X एक्सिस पे, और नेगेटिव X एक्सिस पे X की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अगर आपके पास आए sin 270 डिग्री, अब आपको पता है sin बराबर होता है Y के, और 270 डिग्री Y एक्सिस है, नेगेटिव Y एक्सिस है, उस पर वैल्यू होगी Y की -1, तो उसका मतलब है sin 270 की वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जो टीचर इतनी जल्दी बता देते हैं ना आपको, वो यही टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से वो बता देते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको आएगा। कोई और पिक कर लेते हैं, जैसे अगर आपके पास आ जाए cos 90 डिग्री आपके पास आ जाए, अब आपको पता है cos क्या होता है X के बराबर होता है, और 90 डिग्री मतलब क्या Y एक्सिस है, Y एक्सिस पे X क्या होता है 0 होता है, और cos क्या X के बराबर, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आप sin 90 निकालना चाह रहे हो निकाल लो, sin 90 क्या होता है Y के बराबर, 90 डिग्री होता है पॉजिटिव Y एक्सिस, पॉजिटिव Y एक्सिस पे Y की वैल्यू 1 होती है, तो उसका मतलब है sin 90 की वैल्यू भी क्या होगी 1 के बराबर हो जाएगी। ये ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगी। 360 को एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से अगर आपके पास आ रहा है cos 360 डिग्री, सही, या cos 0, एक ही बात है, वैल्यू सेम ही होंगी। अब आपको पता है 360 डिग्री, अब आपको पता है 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही मतलब है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। cos क्या होता है x होता है, पॉजिटिव x एक्सिस पे x की वैल्यू होती है 1, y की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब है cos 360 और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर यहाँ cos 180 आता था तो वैल्यू क्या हो जाती -1 हो जाती, अगर cos 90 आता या 270 आता
तो 90 और 270 y एक्सिस है, इन पे x की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही, तो काफी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी है, जितनी मैंने वीडियो में बताया है इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है, इन एंगल्स की, कन्वर्जन की, वैल्यूज की, और क्वाड्रेंटल एंगल पे कैसे वैल्यू निकालनी है, रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है, ये सब जब तक आप नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो कोशिश करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 9.2 स्टार्ट करेंगे और 9 चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो गए, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, 9.3 तो बहुत छोटी सी है, उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएंगे हम। तो अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना वीडियोस का, अगर कोई मसला हो तो बता देना। अल्लाह हाफिज़।